पंजाब का ख़ास फल बेर। ये है गाइस देसी बेर और ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं और ये पंजाब में आजकल के मौसम में पाए जाते हैं। ये देखें कितना बेर ही बेर है, ये देखें कितने ज़बरदस्त बेर, खाने में मीठा। हर चीज़ के अपने फ़ायदे हैं, ये देखें इसके ऊपर कितने लगे हैं बेर बेर। मैंने अभी खाया, खट्टा मीठा बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें कितने लगे हैं, बहुत फूल है ये तो, कितने लगे बेर बेर। तोड़ के खाते हैं, गिर गया, वाह। कभी आप पंजाब में आए ना इस मौसम में तो ये बेर मिलेंगे आपको, इसके बहुत फायदे हैं, लोग खाते हैं, फुल है बेर। ये देखें कैसे गिरे पड़े, ये शहर से दूर है इसलिए दूर दराज है ना, नज़दीक होती तो लोगों ने इसके पत्ते भी खा जाने थे। ज़बरदस्त, पंजाब का ख़ास फल बेर। ये है गाइस देसी बेर और ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं और ये पंजाब में आजकल के मौसम में पाए जाते हैं। ये देखें कितना बेर ही बेर है, ये देखें कितने ज़बरदस्त बेर, बेर खाने में मीठा। हर चीज़ के अपने फ़ायदे हैं, ये देखें इसके ऊपर कितने लगे हैं बेर बेर। मैंने अभी खाया, खट्टा मीठा बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें कितने लगे हैं, बहुत फूल है ये तो, कितने लगे बेर बेर। तोड़ के खाते हैं, गिर गया, वाह। कभी आप पंजाब में आए ना इस मौसम में तो ये बेर मिलेंगे आपको, इसके बहुत फायदे हैं, लोग खाते हैं, फुल है बेर। ये देखें कैसे गिरे पड़े हैं, ये शहर से दूर है इसलिए दूर दराज है ना, नज़दीक होती तो लोगों ने इसके पत्ते भी खा जाने थे। ज़बरदस्त, पंजाब का ख़ास फल बेर। ये है गाइस देसी बेर और ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं और ये पंजाब में आजकल के मौसम में पाए जाते हैं। ये देखें कितना बेर ही बेर है, ये देखें कितने ज़बरदस्त बेर, बेर खाने में मीठा।
हर चीज़ के अपने फ़ायदे हैं। ये देखें इसके ऊपर कितने लगे हैं, बेर बेर। मैंने अभी खाया, खट्टा मीठा बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें कितने लगे हैं, बहुत फूल लगे तो लगे बेर बेर। ये देख, ये तोड़ के खाते हैं, गिर गया। वाह, कभी आप पंजाब में आए ना इस मौसम में तो ये बेर मिलेंगे आपको। इसके बहुत फायदे हैं, लोग खाते हैं, फुल है बेरी। ये देख, कैसे गिरे पड़े। ये शहर से दूर है इसलिए दूर दराज है ना, नज़दीक होती तो लोगों ने इसके पत्ते भी खा जाने थे। हेलो गाइस, ये परिंदा देखें, पंजाब में इसे टटेरी कहते हैं, वैसे इंग्लिश में पता नहीं सब क्या कहते हैं। ये ज़मीन पर अंडे देता है, बहुत खूबसूरत परिंदा है, कभी ये दरख्त पर भी नहीं बैठा। और ये अब चांदनी रात होती है तो ये सारी रात ये उड़ता है, परिंदा बहुत उड़ता है इसको। ये बहुत ये अलर्ट करता है हर चीज़ का, जैसे कोई जंगली जानवर आए, कोई भी ऐसी चीज़, सांप या जंगली जानवर, ये अलर्ट करता है बंदे को और ये उसके ऊपर ही रहता है जब तक वो जानवर है उधर। तो ज़मीन पर अंडे देता है, वहीं अपने धूप में बैठा बैठा अपने बच्चे निकालता है। और बहुत ये सियाना कहते हैं ना जिसको, वो परिंदा है। और ये बहुत खूबसूरत है और ये सिर्फ रेत के सहराओं में पाया जाता है। इनकी तादाद बहुत कम होती है क्योंकि ज़मीन पर अंडे देते हैं ना, कुछ जानवर और परिंदे इनके अंडे खा जाते हैं, तोड़ देते हैं। ये उड़े, ये दूसरा पीछे जा रहा है। ये बैठा है, ये देखो ज़मीन पर ही आके बैठा है ये, सही है ना, दूर काफ़ी है मुझसे तो इसलिए फोकस थोड़ा सा कम हो रहा है। बहुत नया परिंदा है और ज़मीन पर ही बैठता है। इसकी ये ख़ासियत है कि ये अगर जिस एरिया में है तो आपको आपको किसी भी जंगली जानवर से ही आपको अलर्ट कर देता है। फोकस नहीं हो रहा, बहुत ज़बरदस्त परिंदा है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग हियर पंजाब वर्सेस यूरोप।